चलिए बढ़ते आगे। जहां आदिवासियों की जमीनें गैर आदिवासियों को बेचने और जमीनों के डायवर्जन के संशोधन को लेकर बैतूल में आदिवासी समुदाय ने विरोध किया। आदिवासी संगठन जस ने विरोध कर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मामले में पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने इसे भाजपा की ओर से फैलाया जा रहा भ्रम बताया। मंत्री पांसे ने कहा कि सरकार ऐसा कोई संशोधन नहीं कर रही, सिर्फ अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासियों की जमीनों के डायवर्जन करने की प्रक्रिया को सरल किया जा रहा है। कम जो गरीब तबके के आदिवासी उनकी जमीन उच्च लोगों द्वारा छीनी जाएंगी, उन्हें कर्ज देके या उन्हें दबाव देके उनसे जमीन छीन ली जाएगी अगर ये इसमें परिवर्तन होता है दूसरी तरह। हम चाहते हैं कि जो हमको संरक्षण संवैधानिक मिला है वो यथावत रहे और इस बिल का हम हरदम विरोध करेंगे। मांगे पूरी नहीं होती तो मध्य प्रदेश में जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं सभी जगह जो उनके पारंपरिक संवैधानिक अधिकारों के तहत जो विरोध किया जाएगा और इस पे लामबंद हो जाएंगे कि इस बिल को पास नहीं होने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को ने 15 साल में कुछ नहीं किया इसलिए वो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है तो जो जनहित के मुद्दे हैं उसका भी विरोध करने लग जाता। आदिवासियों के बीच में ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। दूध का दूध और पानी का पानी सामने रहे। जनरल के व्यक्ति की जमीन जनरल का व्यक्ति लेगा या वहाँ डायवर्सन करेगा तो उसमें बुराई इनका क्यों पेट दर्द हो रहा। हम हमारे अपने आदिवासी भाइयों की जमीन को बेचने का अधिकार न कांग्रेस पार्टी ने किसी को दिया है न देंगे और वो तो इंदिरा जी ने कानून बनाया था कि आदिवासी भाई की जमीन कोई नहीं खरीद सकता। वो कानून है और रहेगा। केवल सामान्य वर्ग की जमीन यदि उस ब्लॉक में है तो वहाँ डायवर्सन भी होगा और वहाँ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे, वो क्षेत्र भी डेवलप होगा और हमारे आदिवासी भाइयों का विकास होगा। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। और बड़ी खबर